वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज तुहाडे नाल गुरु साहब दे इक चमत्कार दी गल करांगे। शायद उस उपर तुहानू यकीन ना होवे। अपना चैनल दे सबसक्राइब, अपना परिवार हुण 1.25 लाख पार कर चुकिया है। उस लई तुहाडा सब दा दिल तो धन्नवाद करदे हां। अगे भी एदां ही प्यार दिंदे रहो। संगत जी, वीडियो नू लाइक ते कमेंटा दे विच वाहेगुरु लिख के अपनी हाजरी जरूर लगवाना। तुहाडे नाल हुण सच्ची कथा सांझी कर लैंदे हां। अजिहा की होया जदों सड़क ते समान बेचण वाला एक नौजवान एक हंकारी व्यक्ति लई रब बन गया। दुनिया विच हर एक इंसान नू मान सन्मान नाल जीउण दा पूरा हक है। कोई भी इह हक किसे तों खो नहीं सकदा। कोई अमीर होवे जां फिर कोई गरीब, रब दीआं नज़रां विच सारे इंसान इको जिहे हन। दुनिया विच कुछ लोग अजिहे भी हुंदे हन जो कि मेहनत करके अपने परिवार दा पालन पोषण करदे हन। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ मेहनत करके कुछ वेचण लई साडे कोल आउंदा है, असी उसदी मेहनत दा सही मुल उसनू दे दईए। 35 साला मोहित ने दस्या कि मैं फतेहगढ़ साहब दा रहण वाला हाँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ। अपनी पढ़ाई विच मैं अब्बल आउंदा रहा। जदों प्लेसमेंट दा समां आया तां आस्ट्रेलिया दी एक वड्डी कंपनी ने मैनू एक वधिया पैकेज दे नाल जॉब ऑफर कीती, जो कि मेरे लई ही इह एक बहुत खुशी वाली गल सी। कुछ समय बाद ही मैं आस्ट्रेलिया विच चला गया अते उत्थे नौकरी करन लग्या। नौकरी करदिया मैनू 4 साल तो ज्यादा समा हो गया सी। मैं उत्थे बहुत पैसे कमाए, इन्ने पैसे कमाए कि मैनू लगन लग पिया कि मैं दुनिया दी कोई भी चीज खरीद सकदा हाँ। मेरे मन विच एक तरह का हंकार जिहा पैदा हो गया ते इह हंकार वधदा वधदा काफी वध गया। समय दे नाल नाल मेरी प्रमोशन हुंदी गई अते मेरे मन विच हंकार भी ओना ही वधदा गया। पर इस गल बारे मेरे घरदिआं नूं भणक लगी। मेरे घर वाले ने मैनूं समझाया पर मैं शायद किसे होर ही ऊंचाइयां ते हो रहा सी। मेरे लई इंडिया दे विच कई रिश्ते आउंदे रहे पर मैं मना करदा रहा। पर मेरी मां ते कहण ते मैं एक रिश्ते लई हां कर दित्ती। मैं इंडिया आया, आके व्याह करवाया। मैं कुछ समय लई इत्थे ही सी। एक दिन असी उत्थे रेस्टोरेंट दे विच खाना खान गए। ओह रेस्टोरेंट ओपन विच बनिया होया सी, जिथे टेबल कुर्सियां बाहर ही लगियां हुईयां सन। असी बैठ के खाना खा रहे सी के उत्थे एक 12 साल दा नौजवान साडे कोल आया। देखण विच उसदी हालत ठीक ही लग रही सी, मतलब कि उसके कपड़े पुराने अते मैले जिहे लग रहे सन। उसने अपने खब्बे हाथ दे उत्ते बैल्टां टंगियां हुईयां सन। शायद ओह साडे कोल बैल्टां वेचण लई आया सी। ओह कहण लग्या कि बाबू जी, इह बैल्ट बहुत वधिया है, जल्दी नहीं टुटेगी, सिर्फ 100 रुपए दी है। मैं उसनूं मना कीता ते ओह फिर कहण लग्या कि बाबू जी लै लवो, अज सवेर दी कोई भी नहीं विकी, साडे घर दे विच 2 दिन हो गए राशन नहीं, मेरी छोटे भैण भरा 2 दिन हो गए भुखे हन, रब दा वास्ता लै लवो। पर मैं गुस्से विच उठ के उसनूं थप्पड़ मारिया ते ओह दूर जाके डिग पिया। उस दीआं बैल्टां भी उत्थे ही डिग पईआं। उसदी हालत रोण वाली हो गई अते ओह उठ के उत्थों अपनी बैल्टां लै के चला गया। मेरी पत्नी ने मैनूं अजिहे करन तों रोकिया अते कहा कि ओह बच्चा है, तुहानूं अजिहा ओहदे नाल नहीं करना चाहीदा सी, क्योंकि जो भी करो ओह मुड़ के वापिस जरूर आउंदा है। मैं उस दीआं गल्लां वल ज्यादा ध्यान नहीं दिता अते उसनूं चुप रहण दे लई कहा। फिर असीं खाना खाण लग पे। खाना खांदे खांदे अचानक मेरे गले दे विच कुछ फस गया, मैनूं साह नहीं आ रहा सी। मेरी पत्नी ने पूछा कि तुसी ठीक हो, पर मैं अपनी कुर्सी ते खड़ा हो गया।
मेरी अखां सामने हनेरा होण लग्या। इंज लग रहा सी कि शायद मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। अचानक इसने पिछों मेरे ढिड तो फड़ के दो तीन वार झटके मारे अते मेरे गले विचों ओह चीज निकल के बाहर आ गई। मैनू सुख दा सां आया, एह मेरे लिए दूजी जिंदगी सी। मैं सुनिया कि मेरी पत्नी किसी का धन्नवाद कर रही है। जदों मैं पिछे मुड़ के देखिया तां मेरी पत्नी उसे 12 साले नौजवान का धन्नवाद कर रही सी जो कि बैल्टा वेच रहा सी अते जिस दे मैं थप्पड़ मारिया सी। उसे ही नौजवान ने मेरी जान बचाई। मैनू अपने आप तो काफी शर्म आ रही सी। मैं उस नौजवान दे हाथ जोड़ के माफी मंगी अते धन्नवाद किया। उसकी मेहनत अते ईमानदारी ने मेरे हंकार नू चूरो चूर कर दिता, पर ओह बिना कुछ कहे उथों चला गया। मैनू उस समय इंज लग्या कि उस दे दिल दी अमीरी अगे मेरी दुनियावी अमीरी फिक्की पै गई। इस तरह की वीडियो देखण दे लई साडे चैनल नू सबसक्राइब कर लवो ते वीडियो नू वध तों वध शेयर जरूर करियो। नवी वीडियो लैके जल्दी ही आवांगे। उदों तक दे लई वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।